हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था। मैं आज आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आपको लोगों के हम पहले से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट से लेकर, उसका भी कारण है। क्या आएगा जो फॉर्मेट जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। लेकिन 6 वाले आपको जब मैं फर्स्ट 9 वाले समझा दूंगा उसके बाद में वो इजी पड़ेंगे आपको एक्सप्लेन करने में या फिर आपको समझने में, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 दिसंबर, जो भी ईयर बुक में दे रखी हो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, ठीक है? बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने 31 दिसंबर डाल दी है, ईयर नहीं डाला, ठीक है ना? तो अब हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्वेश्चन पढ़ते। राम श्याम और गोपाल जो 2-1-1, राम श्याम है, गोपाल आर पार्टनर इन अफर, राम श्याम गोपाल पार्टनर रहेंगे तीनों, ठीक है ना? जिनका रेशो क्या है, 2-1-1, रेशो क्या दिया है, 2-1-1, ये रेशो साइड में लिखा है मेरा दिया, आपको नहीं लिखना है, ठीक है? मैं आपको अर्थ समझा देता हूं, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है? 2-1-1 रेशो दिया आएगा, ठीक है ना? जिसमें अपना प्रॉफिट और लॉस ये बांटते, उनकी पूंजी क्रमशः 28,800, 19,200 तथा 14,400, उनकी जो कैपिटल है वो 28,800, 19,200 और 14,400 आपको बुक में दी। साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज की दिया जाता है, वार्षिक ब्याज है, ठीक है ना? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना देना है, 5%। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं, कंपनी की प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है? ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट। फिर दिया गोपाल को सैलरी देना है 7,200 की, तथा श्याम को सकल विक्रय पर ग्रॉस सेल्स पर 3% कमीशन देना है, ठीक है? फर्म का लाभ प्रॉफिट दिया है 27,600, तो लिख देते हैं हम बाय प्रॉफिट अकाउंट, कितना दिया है, 27,600, ठीक है ना? ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने कल फॉर्मेट बताया था, ठीक है ना? तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखवाया था आपको, उसके बाद यहाँ पर P1 P2 मतलब पार्टनरों के नाम लिखवाया। अब पार्टनरों के नाम दिए हैं हमें, राम गोपाल सॉरी श्याम है सेकंड नंबर पे, तो श्याम और फिर गोपाल। अब हम इनकी कैपिटल को बांटते हैं, ठीक है ना? कैपिटल राम की कैपिटल दी है 28,000, जो नाम दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल दी है 28,800, श्याम की दी है 19,200 और गोपाल की दी है 14,400, ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट की रेट कितनी दी है, 5%, तो 5/100, 5/100 और 5/100, ठीक है? तो 0 से 0 क्रॉस हो गए। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो आपका अमाउंट आएगा 1,440, 960 और 720, ठीक है ना? इन तीनों को टोटल करके यहाँ लिखना है, तो आंसर आएगा 3,120, ठीक है ना? राम की इंटरेस्ट कितना निकला, 1,440, श्याम का 960 और गोपाल का 720, तीनों का टोटल करके लिख दिया 3,320 रुपये। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं, सेकेंड फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या लेते हैं, सैलरी। यहाँ भी हमें क्या देना है, सैलरी देना है, किसको देना है, गोपाल को। तो आप लिख दो यहाँ पे 2 गोपाल सैलरी, कितनी देनी, 7,200 वार्षिक दे रखा है उन्होंने, ठीक है ना? वार्षिक एनुअली दे रखा है, अगर वो इस सैलरी 7,200 मंथली होती तो हम क्या कर देते, 12 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना? तो ये हो गई इसकी सैलरी। नेक्स्ट हमें दिया है कमीशन, कमीशन किसको देना है हमें, श्याम को, ग्रॉस सेल का 3%, तो लिख दो श्याम कमीशन। ग्रॉस सेल्स कितनी थी आपको बुक में दे रखी क्वेश्चन में, आप देख सकते हो 3,36,000, 3,36,000 3/100, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,0080, ठीक है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया,
गोपाल की सैलरी दे दी, श्याम का कमीशन दे दिया, प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है ना। इतना सब बुक में दे रखा लिख दिया। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं, उनके आहरण पर ब्याज क्रमशः इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैगा 190 to 240 और 288। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, हमारी इनकम होती है फॉर्मेट के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राम, श्याम और गोपाल, राम की दी 192, फिर श्याम की दी है 240 और गोपाल की दी है 288, ठीक है। अब अगर तीनों को टोटल करा जाता है, ठीक है, तो हम कर लेते तीनों का टोटल 80 ये हो गया हमारा, ठीक है ना। आप इसको टोटल करके लिखते हैं, यहां पर सबका टोटल आ रहा है 28320 यार स्पेस नहीं होने के कारण मैं ये लिख देता हूँ 28380, ठीक है ना। ये सबका टोटल आ रहा है 28320 ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करना है, तो इस साइड का टोटल लगाते हैं, तो इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 20400, ठीक है ना। इसका इसका और इसका टोटल कितना आ रहा है 20400, और मेन टोटल कितना है हमारा 28320, ठीक है ना। तो 28320 में से हम लिख देते हैं, तो आएगा हमारा 7920 जी हाँ 7920 ही हमारा आ रहा है। तो ये क्या डिफरेंट आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। अब प्रॉफिट ट्रांसफर राम, श्याम और गोपाल, ठीक है। तो राम का ये लिख दो 7920, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 7920 को तीनों में बांटना है, तो 7920 7920 7920, ठीक है। इनका रेशो क्या दिया था हमें, 2:1:1 ये दिया तीनों का, ठीक है ना। तो 2, 1, 3 और 1, 4, तो 2/4, 1/4 और 1/4, 2/4, 1/4 और 1/4। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इनका प्रॉफिट आपको जो बुक में दिया वही आंसर हो जाएगा 3960 1980 और 1980, टोटल यही हो जाएगा 28,28,320 रुपए, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार और, सबसे पहले बुक में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 27,600 वो लिख दो, ठीक है ना। उसके अलावा फिर दिया हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो राम श्याम गोपाल की ये कैपिटल आपको दे रखी है, ठीक है ना। उसके अलावा इंटरेस्ट 5% वो भी आपको बुक में दे रहा है, तो इनका जो 5% तीनों का निकाला तो ये अमाउंट है 1,440 9,60 7,20, तीनों का टोटल करा तो 3,120। गोपाल की सैलरी हमें दे रखी है 7,200, ठीक है ना, वो भी लिखी हमने। श्याम का कमीशन उसने दिया है ग्रोथ सेल का 3%, ठीक है। तो ग्रोथ सेल है 3,36,000 × 3/100, तो आंसर आया 10,080 रुपये, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 192, 240 और 288, मैंने इसको प्लस नहीं करा था तो कर देता हूँ 240, 288।
या गया इसका 720, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है, आप इसमें इसको प्लस करोगे तो 28,320 आ गया, ठीक है। जब इधर का आपने प्लस करा, नीचे वाला पोर्शन हम हटाते हैं, तो इधर का प्लस करा तो 20,400 आया, ठीक है ना। तो हमें क्या है, दोनों बैलेंस क्या चाहिए, हमें बराबर चाहिए, ठीक है। तो 28,320 में से 20,400 माइनस करें, कितने बचे, 7,920, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को क्या करना, तीनों में बांटना है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था कि राम श्याम पार्टनर है जो 2:1 रेशियो का हिस्से में अपना प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं, तो हमें बांटना था तो 2/4, 1/4 और 1/4, इसको सॉल्व करा तो 3960, इसको सॉल्व करा तो 1980, और इसका रेशियो भी सेम है तो इसका भी क्या गया 1980। अब सभी को प्लस करा तो कितना गया 28,320 रुपए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको ये चीज बता दी है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछो, एक बार के सम में नहीं आएगा, ठीक है, मैं कल वापस नेक्स्ट सम लूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ आपको होमवर्क में भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।